Mudassir Rahmandar, a young creative artist from Kashmir. He is the first artist from Kashmir to get entry in Asian and Indian Book of Records. Agar yishkurm starts me international level. To pat kur yimo goyur baki Masood Hussain saban photography man ya Asif Shafi karno me super. Talking about Asian Book of Records, he got the title of Grand Master. And in Indian Book of Records, he got the title of Feat Achieved. Apart from this, he has won many national and international awards. अगर मैं इस चीज की जिक्र करूं, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया कि इसका सिर है नहीं, लेकिन नीचे फूल अटका है। तो ये फूल ऐसे क्यों अटक गया नीचे की तरफ? ये ऊपर की तरफ होना चाहिए। यानी कि आपको खुद ही समझ आएगा, मैं उतना इस पे फोकस नहीं करूंगा कि ये क्या है। तो बात कीजिए आप लोग। Mudassir Rahmandar tells art comes from inner soul. He has made many paintings and one of the famous and the smallest one is the painting of Holy Kaaba. Asal mein mujhe us time ye idea aaya tha kyunki har koi ek apne tarike se different paintings bana raha tha, to maine socha ki kyun na main apni holy shrine yani ki jo hamara Holy Kaaba hai uski ek different series banaun. डिफरेंट तरीके से मैं पेंटिंग्स बनाऊँ, तो हर किसी एक ने अपने तरीके से बेस्ट पेंटिंग्स बनाए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक सीरीज बनाऊँ काबा शरीफ के ऊपर। तो मैंने उस टाइम लीफ के ऊपर ये पेंटिंग्स बनाई थी और रिंग स्टोन के ऊपर और पेंसिल लीड यानी कि पेंसिल के नोक पे ये स्कल्पचर मैंने उस टाइम बनाया। इसको माइक्रो पेंटिंग भी कह सकते, लेकिन माइक्रो पेंटिंग को क्या यूज़ करना पड़ता है, एक माइक्रोस्कोप, तो फिर वो दिखती है। लेकिन मैंने ये छोटे आकार की पेंटिंग्स बनाई तो ये ऐसे ही दिखते हैं बिना माइक्रोस्कोप के, तो इसको माइक्रो पेंटिंग भी कह सकते हैं और ये एक स्मॉलेस्ट। तो ये एशियन और इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम आया ये स्मॉलेस्ट पेंटिंग। He always had a dream to become an artist and he started his paintings from schooling. कुछ चीज़ें तो नेचुरली होती है इंसान के अंदर, जैसे कि आर्ट का फन या किसी को शायरी का शौक या किसी को बहुत सारे एक्टिविटीज है, तो अलग अलग शौक होते हैं हर किसी एक इंसान का। तो मेरा ऐसे ही पेंटिंग का शौक बचपन से ही था। तो जहाँ तक मुझे याद है कि मैं कोयले से कुछ दीवारों पे कुछ बनाता था और घर में पेंसिल से, तो ये शौक ये जर्नी आगे बढ़ती गई। तो आज आपको पता है कि इस फील्ड में स्ट्रगल तो करनी पड़ती है, हार्डवर्क करनी पड़ती है। तो मेहनत का कोई शॉर्टकट रास्ता है नहीं, तो इस फील्ड में भी मैंने मेहनत दिन रात की, तो आज मैं आपके सामने। देखो, आपने इस चीज़ की बात की कि नेगेटिव कमेंट्स और बैड कमेंट्स, कमेंट्स की तरफ नहीं जाना चाहिए बंदे को उसको, क्योंकि आगे की तरफ देखना चाहिए, पीछे की तरफ नहीं देखना चाहिए। जो आगे की तरफ देगा उसको सक्सेस मिलती है अल्लाह के करम से। तो मैंने ये पीछे की तरफ नहीं देखा कि किसने मुझे क्या, अगर कोई बैड कमेंट्स भी लिखेगा तो उससे ना इंसान को एक फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि वो अपने आप को कंप्लीट नहीं समझता, वो और भी मेहनत करता है और भी कोशिश करता है कि मैं इससे अच्छा बनाऊँ। तो मैंने उस चीज़ को नोटिस करते हुए तो मैंने आगे की तरफ देखा, मैंने सोचा कि हाँ किसी ने बैड कमेंट्स लिखा तो मेरे अंदर की खामी हो सकती है, तो मैं इस चीज़ को क्लियर करके दिखाऊंगा। तो मैंने आगे की तरफ, पेंटिंग के अलावा जैसे कि मेरी फैमिली है, मेरी दो डॉटर्स है, मेरी एक फैमिली है, तो इनके लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, पेट पालने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। शाम को अगर मुझे बच्चा बोलेगा चॉकलेट दो तो मैं उसके बदले उसको पेंटिंग नहीं दे सकता हूँ। तो उसके लिए काम करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ अगर गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ गवर्नमेंट खाली कहता रहता है कि हमने वो किया हमने ये किया, लेकिन वो खाली कहते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने डिस्ट्रिक्ट से लेकर स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल तक किया। हालांकि मैं पहला आर्टिस्ट हूँ J&K का जिसने एशियन और इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड किया। तो मेरे अलावा और भी आ सकते हैं जो रिकॉर्ड बना सकते हैं, लेकिन आज तक किसी ने उस तरीके से नोटिस नहीं किया। अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट की बात करूँ तो खाली ऐसे कहते रहते कि हम टैलेंट देखते हैं कश्मीर के अंदर। अगर कश्मीर से बात करें तो अगर वहाँ किसी के अंदर इतना भी टैलेंट हो तो उसे एक एज मिलता है, सपोर्ट मिलता है आगे जाने का, लेकिन कश्मीर के यूथ को सपोर्ट नहीं मिलता उस तरीके से जैसे यहाँ के अंदर टैलेंट है, खासकर कश्मीर के अंदर। तो ये बात मैं हर एक टाइम कहता हूँ कि यहाँ सपोर्ट नहीं मिलता उस तरीके से। अगर मेरी बात करें तो मेरी एक फैमिली भी है,
मैं इस पेंटिंग को अब कम टाइम देता हूँ और फैमिली को ज्यादा टाइम। अगर मुझे सपोर्ट मिलता किसी एनजीओ से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से तो मैं ये कंटिन्यू रख पाता ये आर्ट। जैसे कि जिस लेवल पे मैं आज पहुंचा हूँ इस लेवल तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता है, सालों लगते हैं, 10 साल 20 साल, लेकिन मैं कभी अपने आप से डिसाइड करता हूँ कि मैं छोड़ ही दूँ क्योंकि फैमिली को उतना टाइम नहीं मिलता। हर एक चीज को टाइम मिलना चाहिए लेकिन मुझे इस अब टाइम नहीं मिलता, तो मैं यही चाहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट के जरिए मुझे कुछ सपोर्ट मिले इसमें तो मैं कंटिन्यू कर पाऊँ, अगर नहीं मिले तो मैं छोड़ ही देता हूँ।